हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज ईद के दिन ये वीडियो अपलोड हुई है, तो आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी दिन मैंने रेस्ट कर लिया तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए आज मेरे को काफ़ी काम करना पड़ेगा घर में। तो यहाँ मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और मैं सारे कपड़े उतार के लाई हूँ, और अब मैं इसको फोल्ड करूँगी और उसके बाद फिर और काम मैं स्टार्ट करती हूँ करना, क्योंकि रेस्ट तो मैंने कर लिया मगर मेरा घर इतना गंदा हो गया है। थोड़ा ही काम बच्चे और हस्बैंड खास खास काम ही कर पाते थे, घर का ज़्यादा तो साफ़ सफाई वाला काम तो हो नहीं पाता था, तो इसलिए काम काफ़ी बढ़ गया है। और आज मेरे को घर की काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, और जब तक मैं घर अपना साफ़ सुथरा नहीं कर लूँगी तो मेरे को भी सुकून नहीं मिलेगा। और एक बात और फ्रेंड्स, आप लोगों से करनी थी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और सिर्फ कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। आप भी पूरी वीडियो देखा करिए और मैं भी आपकी पूरी वीडियो को देखती हूँ, उसके बाद लाइक करके कमेंट करती हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, बिना देखे ही वीडियो को सिर्फ कमेंट करके मत चले जाया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए और देखा भी करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन काफ़ी फैला हुआ है, तो अब मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, पूरा किचन क्लीन करूँगी सबसे पहले। और ये देखिए बाहर की टेबल, इसकी क्या हालत हो गई है, ये भी काफ़ी फैली हुई है। तो ये लोग ज़्यादा काम तो कर नहीं पाते थे, बस खास खास काम ही खाना वगैरह का ही हो पाता था। क्लीनिंग का काम तो घर में ना हस्बैंड करते हैं ना बच्चे, तो इसलिए। तो अब ये देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है और ये बस बास्केट रह गई हैं, इनको मैं धो रही हूँ, क्योंकि रेस्ट करो ना तो थोड़ा सा टेंशन दिमाग में ये रहती है कि रेस्ट तो कर रहे हैं मगर घर काफ़ी फैला हुआ है, तो बस ये रहता है कि जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए और हम काम करें। तो ये देखिए मैंने किचन पूरा साफ़ कर दिया है, और ये देखिए टेबल भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, अब लग रहा है ना देखने में अच्छा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने प्लांट लगाया हुआ है, ये नीचे आपने देखा होगा मैंने गमले में लगा रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है ये, और इसको ऐसे बोतल में लगा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, तो बस पोछा लगाना रह गया है, तो झटपट में पोछा लगा लेती हूँ जब तक घर का काम पूरा कर नहीं लूँगी ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और ये सभी लेडीज़ों को लगता है अगर घर गंदा पड़ा रहता है तो उनको सुकून नहीं मिलता है, और वो भी ये सोचते हैं कि अपने हाथ से हम काम करें तभी हमारे घर की साफ़ सफ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग सारा काम हो गया है, ऊपर वाले फ्लोर पर भी मैंने साफ़ सफ़ाई और पोछा वगैरह लगा दिया है, यहाँ का बस रह गया है, यहाँ भी लगा लेती हूँ, और उसके बाद थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं मेरे को, थोड़ा सा बस और काम है एक दो वो करने के बाद, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़े से कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ जल्दी से। और ये हैं कुछ फ्लावर्स जो गंदे हो गए हैं, धूल मिट्टी काफ़ी जम गई है इन पे, तो उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। और अब मेरे सारे काम निपट गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो नहाने के बाद फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर मैंने धो के इस तरह सुखा दिए हैं और कपड़े भी धुल गए हैं, और अब मैं इनको फैला कर आती हूँ बरांडे में। आजकल धूप में नहीं जाती हूँ, मैंने बरांडे में रस्सी बांधी हुई है, तो दिन भर वहीं सूख जाते हैं बड़े बड़े कपड़े। तो कपड़े तो मैंने ऊपर फैला दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ रूम में, थोड़ी देर बैठूँगी, काफ़ी थक गई हूँ काम करके,
ये देखिए, ये एक छोटा सा फ्लावर पॉट है और ये ताजे फूल मैंने इसमें दो लगाए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में कि मुझे ताजे फूल रूम में रखना बहुत अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस ही रहती है रूम में। तो कितना क्यूट लग रहा है ना। तो अब थोड़ी देर बैठ के मैं अपनी डायरी लिखूँगी, क्योंकि मुझको डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें शायरी वगैरह लिख देती हूँ, कविताएँ या कुछ भी, जो भी मन में विचार होते हैं वो सब मैं लिख देती हूँ। शादी से पहले भी मैं लिखती थी और मेरे को अभी तक लिखने का काफ़ी शौक़ है। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं अपनी डायरी लिख लेती हूँ। खाना भी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि हस्बैंड आएंगे, उसके बाद मैं उनसे पूछ के बनाऊँगी कि क्या बनाना है, कोई सब्ज़ी लाएंगे तो। तो ये देखिए, यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं और मुझे खाना आज दोपहर का नहीं बनाना पड़ा क्योंकि वो छोले भटूरे ले आए थे। उनको पता है कि तबीयत ठीक नहीं है और मैंने काफ़ी काम किया है तो मैं थक गई हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग को आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।